बेटा पहले तो पाठ्यक्रम हम लिखेंगे, फिर सक्षम आप लेट आए हो, थोड़ा सा चौक भी देखो बाहर से, चौक देखो किसी क्लास में से, कबीर और मीरा केवल दो, ठीक है। कबीर भी हमने बहुत अच्छे से किया है, मीरा भी बहुत अच्छे से किया है, लेकिन एक एक वर्ड दोबारा करना पड़ेगा ताकि हम एमसीक्यू अच्छे से कर सकें। ओके, तीन चैप्टर्स हैं हमारे। पहला चैप्टर बड़े भाई साहब, दूसरा चैप्टर है हमारा ततारा व मीरू, और तीसरा चैप्टर है हमारा बेटे अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। पूरा नहीं नाम लिख रही मैं, अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। विनीत एक बेंच पीछे हो जा, गैप हो जाएगा ना तो डिस्टेंसिंग भी रहेगी, ठीक है बच्चे। ये है हमारे केवल पांच लेसन, इनमें से एमसीक्यूज आने हैं। बाकी जो हमने पढ़े हैं हरियर काका हम लोगों ने कर लिया हुआ है, पर्वत प्रदेश में पावस हमने कर लिया है, वो इस फर्स्ट टर्म में नहीं आना, दैट इज द प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट टर्म, ठीक है। वो अगली टर्म की प्लानिंग है, वो अगली टर्म में आने हैं। अभी हमारा केवल इतना ही लेसन का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है ये, ठीक है, जो हमारे पेपर में आना है, एमसीक्यूज में आना है। इसके बाद है हमारा ग्रामर, ठीक है, उसमें पदबंध, वाक्य रचना के आधार पर, सिर्फ मुहावरे, समास, हाँ जी, ठीक है, ये चार टॉपिक्स, यानी जो अलंकार था वो नहीं है, हमने कभी किया भी नहीं अभी, और अलंकार है भी नहीं है, सिर्फ ये पांच पांच लेसन और ये चार। इसके अलावा जो आना है वो है अपठित गद्यांश, ये सिलेबस है पूरा, ठीक है। अब कौन सी चीज कितने नंबर की है, दिस इज ऑफ 10 मार्क्स, यानी दो पैराग्राफ होंगे, दो पैराग्राफ होंगे, एमसीक्यूज में आंसर होंगे, और एमसीक्यूज में आंसर कितने कंफ्यूजिंग होते हैं ये मैंने आज डिस्कस करना है, जिन्होंने टेस्ट दिया उनके लिए, ठीक है। टेस्ट देने वाले सिर्फ आप ही बैठे हो, इनमें से और टेस्ट किसी का नहीं आया, मिनी मैंने जरा टेस्ट चेक नहीं किया। अच्छा, और टेस्ट नहीं ना दिया किसी ने, आपने, लेकिन जो वहां बैठे हैं उन्होंने टेस्ट लिया है, और नंबर जो कटे हैं वो बताने हैं मुझे, ठीक है। एमसीक्यूज में नंबर कटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही क्वेश्चन पकड़ रही हूँ, जो क्वेश्चन वैभवी का भी गलत हुआ था, और बच्चों का भी, जिनके 10 में से 10 आने चाहिए थे लेकिन 9 आए हैं। क्वेश्चन क्या है, वो ततारा व मीरू लेसन का था, उसमें था कुछ कि सूर्य ढलते के समय, नहीं था सायंकालीन समय में सूर्य ढल रहा था, दूसरा था उसका ऑप्शन सायंकालीन समय में ठंडी बयारें चल रही थी। अब दोनों में से दूसरे दो क्वेश्चन सॉरी ऑप्शंस बिल्कुल गलत थे, लेकिन इन दोनों में से एक ऑप्शन का जवाब देना था। अब ततारा व मीरू लेसन में से हमें लगता है ये दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही ठीक हैं, तो इसमें से पहले वाले को टिक कर दिया सबने। दोबारा देखो क्या है ऑप्शंस, ये नंबर समझाते समझाते वो देखती हूँ। सूर्य नहीं, सायंकालीन, सूर्य ढल रहा था, सायंकालीन ठंडी बयार चल रही थी। अब बताओ कोई भी क्वेश्चन हो, करेक्ट आंसर बताओ, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, छोड़ो क्वेश्चन को, ध्यान से सेंटेंस को चेक करो, सायंकालीन सूर्य ढल रहा था। अरे सायंकालीन होता क्या है, जब सूर्य ढलता है तो
सूर्य उदय होते को कभी सायंकालीन नहीं कहते। कितना कंफ्यूजिंग आंसर है बच्चे, सायंकालीन सूर्य ढल रहा था, सूर्य ढलेगा ही सायंकालीन, संध्या कहते ही उसको है जब सूर्य ढल रहा होता है। तो दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर था ये, सायंकालीन ठंडी बयारें चल रही थी, बयार होता है हवा। इस तरह जो बेटे एमसीक्यूज में हमें क्वेश्चंस आने हैं ना, उसके लिए हमें ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है। बस दिमाग की यही खिड़कियां खोलनी है कि आंसर जहां सेम लग रहे हैं ना, उनमें लॉजिक ढूंढ पाना बहुत जरूरी है कि क्यों, कौन सा आंसर। ओके, ठीक है। मतलब एमसीक्यूज को, किसी भी विषय का एमसीक्यू हो, आप उसे सरल मत समझना। सेम दिखते दिखते जो आंसर होंगे वो हमेशा कंफ्यूजिंग होंगे, उससे बहुत ध्यान देना है। और 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का। व्हाट डू यू वांट? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। अब मैंने कहा एमसीक्यूज में अपठित गद्य जो है, ये तो गद्य लिखा होगा, तो आंसर ढूंढना हमारे लिए आसान होता है, 10 में से 10 लेने आसान होंगे। सिर्फ यही शर्त है कि लैंग्वेज टफ ना हो वहां पे, ये ले लेंगे आप, है ना, जो पैराग्राफ लिखा हुआ ऊपर पैराग्राफ पढ़ना है तल्ले आंसर लेंगे, दैट इज इजी। ओके, तो कबीर मीरा ये लेसन तो मैं दोबारा एक बार करवाऊंगी आपको अच्छे से, ताकि आप एक एक वर्ड बीच में से ध्यान से करें। ये पद बन, ये 5 में से 4, ये 4 ही आएंगे, 4 में से 4। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 5 आएंगे एमसीक्यू, 4 का आंसर देना होगा। चूज एनी 4, जो करेक्ट होंगे वो पहले लिखेंगे हम, जिसका डाउट है उसे हम नीचे छोड़ेंगे। 5 में से 4 करने हैं पदबंध, 5 आएंगे 4 करने हैं। आप 5 कर दो, पर ऊपर वो करने हैं जो 5-4 हमें कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है, चेकिंग का फॉर्मूला ये भी आता है कि ऊपर वाले 4 ही चेक करो, जो नीचे वाला किया उसे ओवर अटेम्प्टेशन कर दो, तो गलत वाला नीचे करना है आपको, जिसको डाउट है आपने, ठीक है। ये भी 5 में से 4 है, सॉरी ये 5 में से 4 है, मुहावरे जितने आएंगे सारे घर ऑप्शन में ही होने हैं, मुहावरे मीनिंग बीच नीचे ही होंगे। हाँ जी, हाँ, सिर्फ रचना के आधार पे आपको करवाए, वो ही है मैंने, 3 ही होते हैं, सरल मिश्र संयुक्त, 3 ही होते हैं बस वाक्य रचना के आधार पे। ओके, 3 में से ही आने हैं। कम टू, हाँ बस ये हो गया, ये कितने नंबर का हो गया, 16, 10 और 16, 26, 14 नंबर का ये लिटरेचर। 10 नंबर मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में मींस मेरे हाथ में नहीं, आप ही लोगों के हाथ में है, जो भी आपको दिया जाता है, जैसे हॉलीडेज होमवर्क में मैंने विज्ञापन दिया था, है ना, उसके नंबर हैं, 2.5 मार्क्स उसके हैं। ओके, अब मैं आपको और देने वाली हूं, जो 2.5 नंबर उसके होंगे, साथ साथ जो क्लास रिस्पॉन्स के नंबर, क्लास कॉपी के नंबर, ये सब मिला के नंबर बनेंगे 10। ये डोंट थिंक कि ऐसे ही 10 नंबर मिल जाने, क्लास आपने एक नहीं अटेंड की और 10 नंबर मैडम दे देंगे, नो, नॉट एट ऑल। ओके, क्योंकि वो फेयर मांगते हैं, वो कहते हैं, तभी मैंने आपको कहा था जो विज्ञापन बनाओगे सुंदर बनाना, है ना, और उसकी फोटो लेके PDF अलग बना के रख लेना, सेव रख लेना, क्योंकि उसके जो है वो नंबर है, आपको कभी भी CBSE को दिखानी पड़ सकती है। नेक्स्ट एक्टिविटी में भेजूंगी आपको, वो एक्टिविटी आपको करनी होगी। शुड वी स्टार्ट नेक्स्ट लेसन टुडे और वी शुड रिवाइज द लास्ट लेसन, पिछले लेसन में से कोई रिवाइज किया जाए। देखो, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू। हाँ दक्षिता, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। मैम आप प्लीज बड़े भाई साहब करवा दो, आप कल परसों से नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा देना। हाँ जी,
मैम आप बड़े भाई साहब करवा दो, आप नेक्स्ट 2-3 डेज बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा देना। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, ज्यादा क्लियर नहीं सुनाई दे रही। अभी चैप्टर सिर्फ एक ही रह गया, अब कहाँ दूसरों के दुख में होने वाले। मुझे लगता है कि हम वहां से शुरू करें दोबारा। समझ लो आज पहले दिन क्लास में आए हैं, आज सिलेबस आपको पता चला है, दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, समझ लो कि आज पहले दिन से हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और हमें पेपर देने हैं और दोबारा से शुरू कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद कबीर। ठीक है, जितने ऐश कर ली आपने कर ली, अब हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। अब कबीर जी के लिए बुक खोलने से पहले दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए? अब देखो एमसीक्यूज में आना है तो हमें जो कवि का लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखना होगा। जो कवि के बारे में वहां लिखा हुआ है हमें वो भी ध्यान में रखना होगा बच्चे। जैसे मैंने बुक खोली आपके, मैं कबीर जी खोल रही हूँ क्योंकि सिलेबस काफी कम हो गया है। अच्छा, पहला तो क्वेश्चन बनता है कबीर जी के जो दोहे हैं उसका टाइटल हमें दिया हुआ है साखी। अब कबीर जी का जो टाइटल दिया हुआ है साखी, इसका मतलब क्या है? क्यों इसे साखी कहा गया है? साखी एग्जैक्ट वर्ड है साक्षी, साक्षी। साक्षी होता है जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। जो आंखों के सामने हो, अब कबीर जी जो कहते हैं बच्चे वो हमारे सामने घटित होता है। ठीक है, जो भी कहते हैं हमारे सामने घटित होता है। बिल्कुल अनपढ़ थे कबीर जी, और इनके कहे हुए शब्द, इनके कहे हुए दोहे, हमेशा दोहे ही लिखते हैं, इनके पद्य नहीं है कभी भी, है ना? अपनी चीज दो लाइनों में समअप करते हैं। ठीक है, आते जाते बोलते जाते हैं, इनके फॉलोअर्स ने इनके दोहे नोट किए, इसलिए जहां भी लिखे हुए दोहे कुछ ना कुछ फर्क हमें नजर आता है, दोहों में अंतर नजर आता है। एक जगह पढ़ते हैं थोड़ा और होता है, दूसरी जगह पढ़ते हैं थोड़ा और होता है, अंतर नजर आता है। ठीक है, अब तीसरी बात, कबीर जी की जो भक्ति है ना वो निर्गुण भक्ति है। कोई आइडल सामने नहीं रखते, मूर्ति पूजा के में विश्वास नहीं रखते। इनकी भक्ति जो है वो निर्गुण भक्ति है, मतलब कोई मूर्ति नहीं, ना ये किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, इनका धर्म है मानवता का धर्म। ठीक है, अब कबीर जी के कितने दोहे हैं हमें पहले ये याद रखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोहे हैं हमारे पास सिर्फ। 8 दोहों में से ही क्वेश्चन आने हैं ना, 8 दोहों में से ही अगर वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डाल दे तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। कबीर जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। अक्सर हम घर में खिचड़ी बनाते हैं ना, सिर्फ 2 चीजों से बनती है, दाल और चावल डाले और खिचड़ी बन गई। इनकी खिचड़ी जो है पंचमेल खिचड़ी है, यानी 5 चीजों से मिलके बनी हुई है। रीजनल लैंग्वेजेस सारी यहाँ पे लिखी हुई होंगी कि कौन कौन सी देश की लिखा हुआ है, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, है ना? ये सारी भाषाएं हैं पंचमेल खिचड़ी। ओके, तो पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी, ये दोनों वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए। ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पे है पंचमेल खिचड़ी। प्रत्यक्ष ज्ञान भी है यहाँ पे, सदुकड़ी भी लिखा हुआ है और पंचमेल खिचड़ी भी लिखा हुआ है यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में। सदुकड़ी भी लिखा हुआ है, पंचमेल खिचड़ी भी लिखा हुआ है और साथ में इनकी प्रत्यक्ष ज्ञान भी लिखा हुआ है। ठीक है, साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, इसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम में 24 मात्रा। देखो दोहे जो होते हैं ना बच्चे, ये जो दोहे 2 लाइन में समअप होते हैं ये इतने सरल नहीं होते। पता नहीं कबीर जी तो पढ़े लिखे भी नहीं थे बेटे, कैसे दोहे कह जाते थे। दोहे की लिमिट होती है 13 और 11 पे विश्राम, 24 मात्राएं। 13 फर्स्ट लाइन में, 13 दूसरी लाइन में, 11 मात्र विश्राम, 24 मात्राएं लिमिट होती है। ओके, आप अक्षर गिनो तो इतने ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि मात्रा के साथ अक्षर गिनना है, वो लंबा चौड़ा काम है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी आपको।
पूरे होंगे जितना कहा है, 13 है मात्रा मिला के जैसे भी हो, ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ में साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ गुरु शिष्य को जीवन में तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यानी साखियां मीन्स यहाँ पे अंडरलाइन और करो, सत्य की साक्षी, ठीक है। और इनके दोहे आराम से याद हो जाते हैं, इजिली लर्न। जैसे अगर आप पहला शब्द बोलेंगे तो मैं सारा दोहा बोल सकती हूँ। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा होए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। मुंह से शब्द ऐसे निकालो मन का आपा। अब आपा और अहंकार में फर्क है कोई? आपा और अहंकार में कोई फर्क है? मन का आपा होए, आपा होता है अंदर सोच समझ के कार्य करना। अहंकार तो विस्फोट होता है, अहंकार का तो जब अहंकार होता है ना तो बाहर बड़ी जल्दी नजर आ जाता है। आप आपे में सोच के बोलते हो ये नजर नहीं आता। आपा मीन्स है अपने अंदर अंदर, अहंकार है बाहर निकालने वाली चीज, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे शब्दों का उच्चारण करो अपने मन में सोच विचार के, अपना अहंकार खत्म करके ऐसे शब्दों का उच्चारण करो। अपना तन शीतल करे, हमारे शरीर को भी ठंडक दे। मैंने आगे भी आपको बताया है जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना बच्चे, तो वो शब्द जैसे किसी ने हम पे गुस्सा किया, हमने उसे जवाब दे दिया, हम थोड़ी देर के लिए तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, मैंने तो प्रॉपर जवाब दे दिया, पर हम अंदर ही अंदर ना ईजी महसूस नहीं करते। लगता है यार पता नहीं, या तो ना देखो बेटे किसी ने हम पे कुछ कहा, हमने उसे जवाब दे दिया, हम शांत हो गए। लेकिन होता ऐसा नहीं है, नींद हमें भी नहीं आती गुस्सा करने के बाद। तो नींद जब हमें भी नहीं आती तो इसका मतलब कुछ गलत होता है। अगर हम शांति के शब्द दूसरे को बोलेंगे तो हमें सुकून की नींद आएगी, मस्ती से नींद आएगी, जब हम गलत ही नहीं बोलेंगे, ना कोई हमें गलत बोलेगा ना हम गलत बोलेंगे, ठीक है। तो शब्दों का उच्चारण बड़ा सोच समझ के करने को कहा है, ठीक है, ओके। तो अपना तन शीतल करे, शीतल करे मीन्स ठंडक पहुंचाए अपने मन को, शांति पहुंचाए। यहाँ पे शीतल मीन्स होता है ठंडा, शीतल जल पीजिए, शीतल होता है, शीतल नहीं होता, वर्ड होता है शीतल, लेकिन ठंडा, ठंडा मतलब अपने मन को भी ठंडा करे, औरन को सुख होए और दूसरों को भी सुख मिले। हमारे शब्दों से किसी और को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। एक ही चीज है बेटे, वो रीजनल लैंग्वेज है, मतलब पंजाबी का टच आ गया, अवधी राजस्थानी भाषा का टच आ गया, ठीक है। हिंदी में कहते हैं शीतल, तो कबीर जी तो बिल्कुल अनपढ़ है ना, मिक्सचर है, पंचमेल खिचड़ी है ना। राजस्थानी शब्द आता है आने दो, भोजपुरी शब्द आता है आने दो, पंजाबी शब्द आता है आने दो, जो शब्द आता है आने दो, बस मतलब समझ आना चाहिए, ओके। तो आप शीतल वर्ड यहां लिखा हुआ, आप पेपर में शीतल नहीं लिख सकते, लिखने की बारी आएगी तब, अभी तो MCQs हैं, आपको लिखना ही कुछ नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक्स की ओर ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, इस समय तो सिर्फ कंटेंट की तरफ ध्यान जाना चाहिए, ओके। सेकंड, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी क्या होती है, क्वेश्चन ही पहला बन गया, एक शब्द देख के क्वेश्चन बन गया, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी किसे कहते हैं, कुंडल किसे कहते हैं, ना कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। कस्तूरी होती है एक सुगंधित पदार्थ, एक सुगंधित पदार्थ, कस्तूरी है परफ्यूम, सुगंधित पदार्थ, ठीक है। कुंडल मीन्स नाभि, नाभि बहुत छोटी नाभि, पेट में, पेट की नाभि में होता है, रावण की नाभि में तीर मारा गया था, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। जो हिरन होता है ना सारे जंगल में ढूंढता फिरता है। अब क्वेश्चन और पैदा कर देते हैं, हिरन सारे जंगल में क्या ढूंढता है, कस्तूरी को, आती हुई सुगंध को, ठीक है। ऐसे घट घट राम है, घट घट मीन्स हर आदमी में, घट घट हर व्यक्ति में राम है, हमारे अंदर राम बैठे हैं, दुनिया देखे ना है, हमारे ही अंदर परमात्मा है,
और हम देख नहीं पाते। हम सबके अंदर परमात्मा है, हम देख नहीं पाते। हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कैलाश पर्वत पे, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। हाँ विनीत बोलिए। मृग ढूंढे बन माही, बन मीन्स जंगल, बन मीन्स जंगल, माही मीन्स में, मृग मीन्स हिरण, हिरण मृग हिरण, ठीक है हो गया क्लियर। देख लीजिए दोबारा, अभी कुछ है जरूरत तो हाँ आओ। मैंने निष्ठा आई है आज, निष्ठा ने क्लास ज्वाइन नहीं की, रक्षिता ओनली 8 इंक्लूडिंग मी, ओनली 7 आर प्रेजेंट। एक बार रूहानी ले लेना अटेंडेंस एंड सेंड इट टू मी जो आए हैं, ओके। जब मैं चलू आगे तीसरे पे चलू, क्लियर ना ये दोनों, क्लियर? कोई क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं ना? जब मैं था, मैं, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं अहंकार, ठीक है। इंसान मैं का प्रयोग ही तब करता है, मैं किता, मैनू दसो, मैं अहंकार, जहां मैं बोलेगा ना वहां अहंकार होगा। गुरु नानक देव जी ने तो वैसे ही कहा है, तेरा तेरा करते सारा तोल दिया था, तेरा तेरा सब कुछ तेरा, हे परमात्मा सब कुछ तेरा। जब मैं था तब हरि नहीं, तब परमात्मा नहीं था मेरे पास, क्योंकि मिल ही नहीं सकता। अहंकारी को परमात्मा कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मीन्स परमात्मा, ठीक है। अब हरि है तो मैं नहीं, अगर परमात्मा का मेल हो गया हमसे तो मेरा अहंकार रह ही नहीं सकता साथ में। दोनों में से जो चीज पहले मिल गई दूसरी चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। अहंकार खत्म हो गया तो परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा मिल गया तो अहंकार खत्म हो जाएगा, ठीक है। सब अंधेरा मिट गया, सारा अंधेरा दूर हो गया। अंधेरा क्या है? अज्ञान, अज्ञान। अंधेरा क्या है? अज्ञान, पता ही नहीं हमें, पता ही नहीं हमें, अज्ञान। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। एक दिया जलाते हैं ना सारे कमरे में रोशनी हो जाती है, और वही दिया अगर दहलीज में जला दिया जाए अंदर बाहर दोनों तरफ रोशनी हो जाती है। सब अंधेरा मिट गया, एक दिया जला के सारा अंधकार मिट सकता है। सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान हो जाए सारा अंधेरा दूर हो सकता है। और ज्ञान क्या कहते हैं, कौन सा ज्ञान चाहिए उन्हें, कौन सा ज्ञान? पढ़ाई का ज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं? नो, ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर आ गया, अहंकार अपने आप चले जाने, ठीक है हो गया। सब अंधेरा मिट गया दीपक देखिया माही। दिया जलाने की देर थी, कौन सा? ज्ञान का दिया। अज्ञान अपने आप मिट गया, ज्ञान का दिया जलाया। जैसे ही प्रयत्न किया मैंने कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो, तो वैसे ही हमारा अंधकार, हमारा अज्ञान जो है वो गायब हो गया, ठीक है। दिए की तुलना किससे की गई है? ज्ञान से, ज्ञान से, ठीक है। अंधकार की तुलना किससे की गई है? अज्ञान से। जैसे ही ज्ञान अंदर आया अज्ञान भाग गया, दीपक जलाया अंधार अंधेरा मिट गया, ठीक है ओके क्लियर। मैं था हरी नहीं, हरी है मैं नहीं, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक में। मतलब एक बार समझ आ जाए कि मैं करना बंद करिए तभी काम बनेगा, ओके। अब जब ये बात हो गई, ज्ञान और अज्ञान की बात हो गई, तो अगला दोहा बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। सुखिया सब संसार है, सारा संसार बहुत सुखी है। जैसे हार्दिक बहुत सुखी था घर बैठ के खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है जागे और सोए। अब तो हार्दिक भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसे पता चल गया एमसीक्यू आने हैं, मुसीबत आनी है। अब तो लेसन का डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ही ज्ञान हो गया
अब आराम की नींद नहीं सो सकते। अब आराम की नींद वही सोएगा जिसे इसका ज्ञान नहीं है। यही कबीर जी ने कहा, सुखिया सब संसार है, सारा संसार बहुत सुखी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है। कबीर जी दुखी क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है वो परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, सारी सारी रात जागते हैं और परमात्मा से मिलन की दुहाई देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लो ना, कबीर जी क्यों रोए जा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया वो परमात्मा से बिछड़े हुए। सारा संसार क्यों सो रहा है? अज्ञान है ना। सारा संसार सुखी क्यों है? क्योंकि अज्ञानता से जो काम कर रहे हैं करते जा रहे हैं। कबीर जी को, कबीर जी का दुख कौन सा दुख है? क्या दुख क्या उन्हें? रोटी नहीं मिलती खाने को, पानी नहीं मिलता पीने को, बच्चे बहुत दुखी करते हैं, या परमात्मा से बिछड़ने का ज्ञान हो गया है? MCQ तो ऐसे ही आने, ठीक है, क्लियर? सुखिया सब संसार है, सारा संसार है जी। 14 marks 5 lesson में से 14 number, दो दो तो हर लेसन में से आएंगे ही, तीन तीन भी आ सकते हैं। समझ लो आप हर लेसन में से तीन तीन आने, अरे सारा ही MCQs में आना है। क्या सक्षम, पहले तो मैडम का काम कर रहा जाके बच्चे, क्योंकि क्योंकि जो मैंने तब बताया था जब आप बाहर थे, मेरा वीडियो सुनना फिर। ओके ओके चलिए, क्लियर बच्चे? मतलब ये आपका सारा पेपर ही MCQs में है। हाँ सारा पेपर ही MCQs में है, तो 3 questions तो आने ही हैं हर लेसन में से, एस्टिमेटेड लगा के रखो। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, किसी में से 5 डाल दे, किसी में से 2 डाल दे, ये अलग बात है। ओके जी क्लियर? संसार सुखी क्यों है, दुखी क्यों है, सारी बात क्लियर हो गई। ओके आगे, विरह भुवंगम तन बसे। अब वो भी इंटरलिंक्ड है, विरह मीन्स बिछोड़ा, बिछो, बिछोह का सांप काट गया, भुवंगम मीन्स सांप ना, बिछोड़े के सांप ने काट लिया, किसे? कबीर जी को ही, या जिसको भी। विरह भुवंगम तन बसे, जिसके शरीर को बिछोड़े रूपी सांप ने काट लिया, यानी जिसे पता चल गया मैं परमात्मा से बिछड़ा हूं। मंत्र ना लागे कोई, उसका किसी मंत्र से इलाज नहीं हो सकता। मंत्र ना लागे कोई, कोई मंत्र असर नहीं करता। आपको लास्ट ईयर का लेसन याद है ना आपको, दुख का अधिकार में, उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए मंत्रों का झाड़फूंक पे सारा कुछ खर्च कर दिया था। मतलब लोग मानते हैं, लोग मानते हैं कि सांप का डसा हुआ मंत्रों से उतारा जा सकता है ना। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जीवे तो बौरा होए। जिसे पता चल जाए ना बेटे कि मैं परमात्मा से बिछड़ा हुआ हूं, वो जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर वो जिंदा रह गया ना, तो उसे दुनिया पागल कहेगी। बौरा मीन्स पागल। राम वियोगी ना जीवे, राम से बिछड़ा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, और अगर जिंदा रहता है तो दुनिया उसे पागल कहती है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मीरा। इतने बड़े घराने में, राज घराने में शादी हुई बच्चे, लेकिन खुश नहीं रह सकी ना। वो उसे तो अच्छा लगता था भगवे वस्त्र पहन के संतों की टोली में चले जाना और गीत गाना और प्रभु की भक्ति की अनुनय विनय, प्रभु के आगे अनुनय विनय करनी, प्रभु के भक्ति गीत गाना ना। तो कहते हैं फिर मीरा को लोग पागल ही कहते थे। रानी होके देखो क्या बनी फिर रही है, कैसे गलियों में घूम रही है, लोग उसे पागल कहते थे। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं बच्चे। जो इंसान बिल्कुल भक्ति की राह पे चल पड़ता है ना, सुबह शाम केवल परमात्मा की बातें करता है, अपन उनकी कहने हैं पागल हो गया, दिमाग खराब, तो अभी कहते राम राम ही करता रहता है।
इवन हम लोग अपने मम्मी पापा को भी टोक देते हैं, सत्संग सत्संग करते रहे, गुरुद्वारा मंदिर करते रहे, तो हम कह देते हैं घर च मम्मी दादी मां रोटी नहीं देती थी कि ये सत्संग जाके की करोगे, कह देते हैं ना। राम वियोगी ना जिए, जिसे समझ आ जाए ना वो जिंदा नहीं रह सकता, अगर जिंदा रह भी जाए तो दुनिया उसे पागल कहती है। जीवे तो बौरा होए, बौरा मीन्स पागल, ठीक है, क्लियर। मतलब तीनों दोहे इंटरलिंक्ड थे हमारे, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होए। नेक्स्ट है निंदक नेड़ा रखिए। हार्दिक को तो मुझे अपने घर में बुला लेना चाहिए, और कार्तिक को भी मुझे अपने घर में बुला लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैडम बुराई करते रहते हैं। निंदक बुराई करने वाले को अपने पास बुला लो, हो सके तो अपने घर में स्थान दे दो। निंदक मीन्स बुराई करने वाला, नेड़ा मीन्स पास, राखी निंदक को अपने पास रखो, हो सके तो घर में स्थान दे दो। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी शिवाय, अपने आंगन में उसे कुटिया दे दीजिए, अपने वेड़े ची जगह दे दियो उन्हें। आंगन कुटी शिवाय बिन पानी साबुन निर्मल करे सुभाए, ना साबुन लगाना पड़ेगा ना पानी का प्रयोग करना। आप अब कोरोना के कारण अब घर जाएंगे तो पहले आपको कहा जाएगा जी अच्छे से हाथ वॉश करो साबुन से, तन को निर्मल करने के लिए हम साबुन से हाथ धोते हैं। वो कहता है आपके मन को शुद्ध करने के लिए किसी साबुन पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुराई करने वाला साथ में बैठा है वो बुराई करता जाएगा आप सुधरते जाओगे, वो बुराई करता जाएगा आप सुधरते जाओगे। ये कबीर जी कहते हैं आम दुनिया तो निंदक करने वाले को पीछे कर देती है और कहती है दोबारा मेरे से बात मत करना, हमें वो बंदा अच्छा ही नहीं लगता जो हमारी बुराई करता है हमारे सामने। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करे सुभाए, ठीक। क्यों कहा है कबीर जी ने कि निंदक को अपने पास में रख लो, क्यों कहा है? हाँ, अपनी गलतियों को बताने वाला सामने रहेगा ना, गलतियों को बताने वाले को सामने रखने को क्यों कहा है? हाँ, अपने स्वभाव में सुधार लाने के लिए, ठीक है। स्वभाव के स्पेलिंग क्या होंगे? स्वभाव, स्वभाव होता है नेचर, ठीक है, अपने स्वभाव में अच्छाई लाने के लिए। नेक्स्ट, पोथी पढ़ पढ़ जगमुवा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुवा, पंडित भया न कोए। लास्ट करेंगे बाकी कल, हाँ ये लास्ट, क्योंकि टाइम तकरीबन होने वाला है आपका, ये वैसे 55 हो चुके हैं, क्लास लेट शुरू हुई इसलिए 2 मिनट और लगा दें, है ना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी मीन्स किताबें, धार्मिक ग्रंथ, सक्षम कल बुक लेके आएगा, ठीक है। पोथी मीन्स धार्मिक ग्रंथ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, मर गए लोग, आए और मर गए, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, बस धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रह जाते हैं। हम करते क्या है? हमारी पूजा क्या है? जरा ध्यान से नजर मार के देखो अपनी पूजा पे, है ना, पाठ कर लो, पाठ कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, ग्रंथ साहब जाके पढ़ लो, क्या बस रीडिंग रीडिंग रीडिंग, मन में तो कुछ भी नहीं समाता ना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भया ना पंडित कोए, विद्वान कोई नहीं बनता, और कबीर जी के अनुसार में विद्वान वही है जो मनुष्यता के धर्म को मानता है, जो दूसरे की मदद करता है, दूसरे के दुखों को अपना दुख मानता है ना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोए, एक के आखर पीव का, एक अक्षर प्यार का पढ़ लिया तो पंडित हो, एके आखर पीव का पढ़े तो पंडित होए। जिसने प्यार का एक अक्षर पढ़ लिया, मतलब प्यार करना आ गया, मीन्स दूसरे के दुख में दुखी होना आ गया, मानवता का धर्म निभाना आ गया,
ना प्यार करना जिसे आ गया, क्रोध उसका खत्म हो गया, अहंकार उसका चला गया, मोह उसका चला गया, खुले दिल से प्यार करेगा। प्यार का एक अक्षर जिसने सीख लिया ना, वो पंडित बन गया। उसे किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ भी तो हमें प्यार करना ही सिखाते हैं। ठीक है, एक के अक्षर फीस का पढ़े सो पंडित। इनके ये जो दोहा है ना, कई जगह पे अलग है। जैसे ये क्या दोहा था, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भया ना पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। एक ही बात है, एक के अक्षर पीव का या ढाई अक्षर प्रेम के। प्रेम के ढाई अक्षर होते हैं, ढाई होते हैं प्यार प्रेम के, ढाई अक्षर होते हैं। देखो पूरा र एक ही मात्रा है ना, र को रे, म आधा प, ढाई अक्षर है प्यार। ये लो आधा प आधा पूरा पूरा, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। ठीक है, जिसने प्यार समझ लिया, समझ लो वो विद्वान बन गया, समझो वो ज्ञानी बन गया। विद्वान मीन्स ज्ञानी। ठीक है, चलिए गुड बाय।